हेलो भाई कैसे हैं आप लोग आप सभी लोगों को मेरा प्यार है नमस्कार और मैं फिर साहब आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्सबुक पर सो so, किसी रीजन की वजह से क्लास अभी थोड़ी सी लेट हो गई है डिले हो गई बट कोई नहीं दस मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आप लोगों को अगर कोई क्लास इसके बाद नहीं हुई तो राइट तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग और थोड़ा सा क्लास डिले हुई है उसके लिए सॉरी फॉर देट और क्लास आप लोग क्या करेंगे सब लोग शेयर कर दीजिए सब लोग और ताकि सब लोग एसिएशन को क्या कर पाएँ ज्वाइन कर पाएँ तो आप लोग क्लास को शेयर करेंगे मैं भी क्लास को शेयर कर देता हूँ और आप लोग भी क्लास को क्या करिए बेटा शेयर कर दीजिए ठीक है चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको एक मिनट रुकेंगे बस सर आप कल मुझे याद किए थे मतलब मैं क्यों बात करूंगा वाई विलाई वाई यू चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ याद रखेंगे हमने कल बात की थी क्वेश्चन की और वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे राइट जहां पर बात करेंगे तो वाट द टिश्यू फाउंड एट द आउटर लेयर ऑफ द स्किन कॉल यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे यहीं पे हम लोगों ने कल छोड़ा था तो जो आउटर लेयर में आपका जो टिशू पाया जाता है उसको क्या कहते हैं जरा बताएं फटाख से इस टिशू का नाम क्या हो जाएगा इस टिशू को हम लोग क्या कहते हैं जरा आंसर देंगे इसका देखते हैं आप मुझे कौन आंसर देता है चलिए बताएं तो आंसर हो जाएगा इसका उसको बोलेंगे एपीथेलील टिशू कहेंगे बहुत ही सिंपल सा जवाब है एपीथेलील टिशू ठीक है एपीथेलील टिशू हो जाएगा चलिए एपीथेलियल टिशू क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बोलेंगे कनेक्टेड टिश्यू की बात करेंगे तो ब्लड टेंडन और लिगामेंट हो जाएंगे नर्वस टिश्यू आपके नर्वस सिस्टम पर आ जाएंगे न्यूरोन्स व वगैरह इसकी सेल्स होती हैं राइट आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि विज्ञान में किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को क्या कहा जाता है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आपको दबाव डालते हैं या उसको खींचते हैं तो इसको क्या कहा जाता है सर आप ठीक हैं मैं तो ठीक हूँ मुझे क्या हुआ बहुत कम दिख रहा है कम दिख रहा है तो पता नहीं मुझे कैसे दिख रहा होगा आपको कम आई डोंट नो चलिए तो विज्ञान में किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव को क्या कहा जाता है प्रेशर कहते हैं गुरुत्वाकर्षण कहते हैं बल कहते हैं आप घर्षण कहते हैं इनमें से इनको क्या कहा जाएगा जरा बताएं फटाफट तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इनको कहेंगे फोर्स कहेंगे यानी कि बल कहा जाता है वेरी गुड फोर्स इसकी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट होती है न्यूटन हो जाती है राइट आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न यहाँ से आता है बेटा नोट करेंगे कि विच एलिमेंट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो किसी तत्व में न्यूनतम संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा बताएं क्लोरीन सोडियम फ्लोरीन और द ऑक्सीजन तो विच एलिमेंट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो किसी तत्व में न्यूनतम संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन से आ न्यूनतम संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे सबसे कम तो आपको बताना है इनमें से किस में हो जाएंगे जरा बताएं ये आपका क्लोरीन सोडियम फ्लोरीन और द ऑक्सीजन तो क्लोरीन सोडियम फ्लोरिन ऑक्सर में हो जाएंगे जिसका देखो आप नंबर सबका पता होना चाहिए आप लोगों को अगर ऑटोमी नंबर पता होगा तो आपको पता होगा राइट जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर सोडियम की अगर बात करेंगे तो सोडियम का नंबर 11 होता है 11 है तो इसके ऑटोम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक होगा यानी कि दो आठ एक होगा राइट बाकी सब कितने हो जाएंगे इसमें सात होंगे इसमें छह होंगे राइट इसमें सात होते हैं इसमें छह होते हैं इसका एक होता है आखिरी में राइट तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सोडियम हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एक परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है द सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड तो परमाणु के केंद्र को क्या कहेंगे तो किसी भी परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं बताएं तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम का स्ट्रक्चर ये होता है राइट एंड दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और दिए आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर तो दीज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम राइट तो यहाँ पर जो परमाणु के केंद्र को कहा जाएगा उसको न्यूक्लियस कहा जाएगा जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और यही क्या दर्शाता है इसका मास दर्शाता है और ये क्या दर्शाता है इसका एटॉमिक नंबर को बताता है ठीक है एटॉमिक नंबर को बताता है राइट ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से बात करते हैं तो नोट करेंगे यहाँ पे आ जाता है बेटा कि द डिसेप्शन पास स्टेट इज लोकेटेड इन विच कंट्री तो डिसेप्शन दर्रा जो होता है जल मध्य किस देश में स्थित हो जाएगा तो डिसेप्शन पास स्टेट इज लोकेटेड इन विच कंट्री रशिया अमेरिका डेनमार्क और द ब्राज़ील तो रशिया यूएसए डेनमार्क एंड द ब्राज़ील में से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा सो डिसेप्शन दराज अलमर मध्य किस देश में स्थित हो जाएगा जरा बताएं तो so, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हो जाएगा कौन सा बेटा आपका ये हो जाएगा आपका यूएसए मैंने कल बताया था आप लोगों को आगे बढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए मैंने आपको सारी एजेस बता दी थी प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए लोकसभा का सदस्य मांग बनना मांगता है राइट अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कितनी उम्र चाहिए पच्चीस साल चाहिए तो यहाँ पे पच्चीस साल चाहिए इवन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भी आपको कितनी जाल चाहिए? 25 साल चाहिए पच्चीस साल चाहिए विधानसभा के मेंबर बनने के लिए भी कितनी चाहिए पच्चीस साल चाहिए तो आपको पच्चीस साल की उम्र में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं राइट प्रधानमंत्री ट्वेंटी ईयर में बन सकते हैं राइट चलिए हाँ जी मुंबईया हिंदी मांगता है हाँ मतलब ऐसे कुछ आ जाता है कभी कभार ठीक है तो बर्ड्स एक दो आ जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा ट्वेंटी हो जाएगा राइट थर्टी फाइव के लिए हो जाएगी तो प्रेसिडेंट की थर्टी हो जाएगी यहाँ पर ये यह प्रेसिडेंट हो गया वाइस प्रेसिडेंट हो गया इन सबकी थर्टी फाइव हो जाएगी राइट आगे बढ़ेंगे और इसके साथ में देखेंगे नोट करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि आप कहते हैं किस्तवर नेशनल पार्क इज लोकेटेड किश्तवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा तो किस्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड यहाँ पर हो जाएगा झारखंड किस जगह पर लोकेट हो जाएगा किश्तवाड़ आपका नेशनल पार्क जो आंसर देंगे इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए बताए जल्दी से बेटा चलो तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन पे हो जाएगा ये पे जम्मू कश्मीर में बढ़िया जम्मू कश्मीर में हो जाएगा आगे बढ़ेंगे रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन हुआ करते थे द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द आर अब यहाँ पर ये पूछा नहीं गया है कि मतलब किस उसके होंगे यहाँ पर तो आर एक बार हे बोल दीजिए <laughs> ये हे क्यों बोल रहे आप लोग काजल और गरिमा हे चलिए हे। तो यहाँ देखेंगे जो कौन थे आपके सर ऑप्सबोन स्मिथ हुआ करते थे ऑप्शन स्मिथ यहाँ पर आरबीआई के पहले गवर्नर जो बनाए गए थे और आरबीआई का निर्माण हुआ था आर बी आई एक्ट उन्नीस सौ चौंतीस तो नाइनटीन थर्टी फोर में एक्ट आया था एंड एंड नाइनटीन थर्टी फाइव में इसको क्या किया गया था नेशनलाइजेशन हुआ था इसका राष्ट्रीय सॉरी क्या मतलब बनी थी यार ये बनी थी फॉर्म हुई थी और नाइनटीन फोर्टी नाइन में इसको क्या किया गया था राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइज किया गया था ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेशनलाइज किया गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आजकल कोई भी मज़ा लेने से नहीं चूक रहा है कोई बात नहीं आगे बढ़ेंगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज और हाँ अगर बात की जाए इंडिया के पहले गवर्नर की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे वो सी डी देशमुख हो जाएंगे राइट तो वहाँ पे क्या हो जाएगा सी डी देशमुख हो जाएगा ठीक है तो सी डी देशमुख यहाँ पे हो जाएंगे ठीक है चलो आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला सवाल देखिए यहाँ से आता है क्या बोलेंगे कि वेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत फोर्ट तो पहला पानीपत का जो बैटल है वो कहाँ पर लड़ा गया था द फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत फोर्ट चलिए हमारे यहाँ तो हाय दैया बोला जाता है हाय दैया <laughs> चलिए तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी तो वेन वॉज दी फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत फोर्ट फिफ्टीन सिक्सटीन फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स एंड फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स एंड द सेवनटीन सिक्सटी वन राइट चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट लड़ाई पानीपत की फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स सेकेंड इज इन फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स थर्ड इज इन द सेवनटीन सिक्सटी वन राइट चलो आगे बढ़ेंगे uh, एम एस जी एक रसायन का पूरा नाम क्या हो जाएगा एम एस जी को क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द एम एस जी कॉल्ट मल्टी सोडियम ग्लूकोज मोनो सोडियम ग्लूटामेट और यहाँ पर मिक्स सोडियम ग्लूटामेट या फिर मिक्स सोडियम ग्लूकोज इनमें से इसको क्या कहा जाएगा तो बताएँ जल्दी से क्या कहते हैं इसको एम एस जी का एम एस जी का फुलफॉर्म क्या हो जाएगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट वेरी गुड प्रशांत एंड दुबे जी सब ने सही आंसर दिया है सभी लोग आई थिंक सही आंसर दे रहे हैं तो जाएगा right हो जाएगा मोनो सोडियम ग्लूटाट इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आगे बढ़ेंगे फिर आता है कि द एसेंशियल मेटल ऑफ एन अमलगम इज तो अमलगम के लिए आवश्यक धातु तो क्या हो जाएगी एनी बेस या फिर एनी अल्कलाइन मेटल कॉपर या फिर हो जाएगा मरकरी इनमें से अगर आपसे पूछा जाए तो द एसेंशियल मेटल ऑफ एन अमलगम इज तो अमलगम के लिए आवश्यक धातु क्या होगी तो याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये पारा या मरकरी हाइड्राजीरम राइट तो मरकरी हाइड्राजीरम पारा ये हो जाएगा आपका कौन सा अमलगम के लिए आवश्यक धातु तो, ठीक है आगे बढ़ेंगे हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ पोलो टीम तो पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ पोलो टीम चार सात आठ छः कितने खिलाड़ी होंगे मैंने पूछा था आप लोगों से पोलो हो जाएंगे चार खिलाड़ी हो जाएंगे राइट uh, केरल कौमदी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे तो केरल कौमदी समाचार पत्र के संस्थापक अगर बात करेंगे तो कहाँ गए हमारे ये सी बी को uh, कुंजी रमन हो जाएंगे यहाँ पर राइट तो सी बी कुंजी रमन यहाँ पर हो जाएंगे किसके आपके केरल कौमदी समाचार पत्र के संस्थापक डी आंसर यहाँ पर राइट होगा फिर दक्षिण भारत में कितने संगम तमिल कवियों की सभा आयोजित किए गए थे तो जो आपकी सभाएं हैं तमिल संगम की जो सभाएं मानी जाती हैं उस तमिल संगम में बात की जाए तो कुल मिला तीन सभाएं आयोजित की गई थी जहाँ पर तमिल संगम की रचना जो है वो की जाती है उन तीन सभाओं में तो आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा ये तीन हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन अगला आता है कि ध्वनि की प्रबलता किसमें नापी जाती है द लाउडनेस ऑफ द साउंड की अगर बात करेंगे तो साउंड या नॉइज़ या जो भी कुछ ध्वनि से संबंधित है साउंड से संबंधित है इसको नापने के लिए Uh, कल जी थोड़े थोड़े आहत क्वेश्चन हाँ कल जी थोड़े थोड़े आहत क्वेश्चन सही कह रहे हो आप तो वो स्टार्टिंग में अभी बढ़ाता हूँ मैं आगे तो यहाँ पर हो जाएगा साउंड इज मेजर्ड इन आपका हो जाएगा डेसिबल हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे एंड हेमू एक लोकप्रिय शासक को किस अतिरिक्त नाम से जाना जाता था तो ये सवाल कल भी था आपका हेमू की अगर बात करेंगे तो हेमू इज नोन एज अ विक्रमादित्य इनको विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जानते थे हेमू ठीक है आगे बढ़ेंगे एंड पत्नियों का हरण किसके कारण होता है अगर द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू अगर इसकी बात की जाए तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस ऑफ द क्रोमियम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेजेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा मैग्नीशियम पाया जाएगा जिस वजह से पत्तों का रंग क्या होता है हरा होता है राइट right? आगे बढ़ेंगे गुड इवनिंग सुहानी शर्मा जी गुड इवनिंग अगला देखते हैं बेटा क्या आता है कि सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के बीच में सबसे बड़ा विकास अंतर कौन सी बसी पंच योजना में दर्ज किया गया था द लार्जेस्ट ग्रोथ गैप बिटवीन द सर्विस सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन विच फाइव ईयर प्लान सर्विस सेक्टर की बात करेंगे तो टर्सरी सेक्टर आ जाएगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे तो ये सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा तो कहने का मतलब है कि ये सवाल पूछ रहा है कि टर्सरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में सबसे बड़ा गैप देखने को कब मिला था गैप कब होगा जब सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में से कोई एक ज्यादा ग्रो कर रहा हो और एक क्या हो आप कम ग्रो कर रहा हो तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा ये हमारा नाइन्थ फाइवर प्लान में हो जाएगा जहाँ पर ये जो हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था वो थोड़ा सा क्या हो गया था कम हो गया था जिस पर जैसे क्या हो जाएगा काफी गैप देखने को हमें मिलता है ठीक है आगे बढ़ेंगे वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनकी अकबर के द्वारा सम्मानित किया गया था so जैन आचार्य हे सुहानी हे, आप जी भी हे बोलने लगे हैं हे नहीं बस होते हे चलो हरि विजय सूरी पुष्पदंत दंतभद्र या फिर सुशरम राइट चलिए तो आंसर नोट करेंगे बढ़िया तो उसको बोलेंगे हाँ हरि विजय वेरी गुड आंसर हो जाएगा हरि विजय सूर्य हो जाएंगे जिनको अकबर ने क्या किया था सम्मानित किया था राइट right, आगे बढ़ेंगे सो द क्वेश्चन इज मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है विच टाइप द लेंस इज फाउंड इन द ह्यूमन आई तो ह्यूमन आई में किस तरीके का लेंस पाया जाता है चलिए यहाँ पास में शेर आया है अच्छी बात है बकरी बकरी लेके जाइए स्वागत करिए उसका क्या नाम है मीन दोगड़े जी एक आध बकरी बकरी लेके जाइए स्वागत करिए उसका तो उसमें पे आ कॉन्वेक्स लेंस पर जाएगा कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं ये कन्वर्जिंग लेंस होता है जो लाइट जाती है एक जगह पर क्या होगी कन्वर्ज होगी उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ किया जाता है और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं सो हाँ सच में बता तो मैं सच में बता रहा हूँ लेके जाइए बकरी बकरी किसी आदमी को खाए शेर पहले कि उसको बकरी बकरी खिलाइए कुछ स्वागत करिए हाँ शेर आया है डरते क्यों हैं शेर तो माता की सवारी होती है अब क्या पता उसको माता बैठी हो तो तो अब ऐसे तो माता ऐसे थोड़ी मिलेंगी हो सकता शेर के साथ बैठी हो तो जाइए स्वागत करिए शेर को आगे बढ़ते हैं फिर आता है आपका कि संसद प्रत्येक वर्ष कौन सा सत्र आयोजित करता है तो अगर संसद की बात करेंगे तो संसद हाँ नवरात्रि आने वाला है अब बताइए माता जी आई है सवारी पे अपने तुम लोग डर रहे हो हाँ चलिए तो आप देखेंगे संसद प्रत्येक वर्ष में किस सत्र में आयोजित करता है कल से तो आपका नवरात्रि आ रही है चलिए तो एक दो तीन चार इनमें से क्या हो जाएगा तो कितने सत्र आयोजित करेगा तीन सत्र आयोजित करता है विंटर सेशन समर सेशन और आपका बजट सेशन राइट आगे बढ़ेंगे हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगी मैंने बताई थी आपको हंगरी राजधानी की बात करेंगे तो हंगरी की राजधानी इनमें से क्या हो जाएगी तो हो जाएगी आपकी कहाँ पर बुद्धा हो जाएगी ठीक है बीना ऑस्ट्रेलिया ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे वाट इज द कलर ऑफ़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम लो के सबसे गर्म हिस्से का रंग क्या होता है अगर लो के गर्म हिस्से की बात करेंगे इसका रंग क्या हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा नीला लाल या फिर आपका पीला या नारंगी ठीक है चलो तो नीला लाल पीला नारंगी इनमें से क्या हो जाएगा तो लौ के सबसे गर्म हिस्से का रंग क्या होता है अगर बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा ब्लू होता है राइट तो ब्लू जो होता है वो सबसे गर्म होता है राइट भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है तो यहाँ पर आर्टिकल था चीफ मिनिस्टर का जो कि उनके कर्तव्यों को उनको ड्यूटीज़ को क्या करेगा डिफाइन करता है एंड दैट आर्टिकल इज नोन एज वन सिक्सटी सेवन हाँ ये भी सवाल सही है वन सिक्सटी सेवन आर्टिकल हो जाएगा राइट उन्नीस सौ छप्पन के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में मूल रूप से कितने केंद्र शासित प्रदेश मौजूद थे तो यहाँ पर कितनी टेरिटरीज जो थी वो बनाई गई थी तो फोर्टीन यहाँ पर स्टेट थे और इसके अलावा छः यूनियन टेरिटरी थी सिक्स यूनियन टेरिटरी थी पहला राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश था तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था पहले सबसे पहले भाषा के आधार पर और तभी आपका गठन किया गया थे उन्नीस में दिस इज द फर्स्ट स्टेट यहाँ पर जाएगा कौन सा बेटा आपका छः यूनियन टेरिटरी हो जाएंगी ठीक है

आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से मिलता है तो भारतवर्ष इज फर्स्ट टाइम मैंसन इन विच इंस्क्रिप्शन भारतवर्ष इज फर्स्ट टाइम मैं विच इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिलेगा तो जो हाथी गुंफा का इंस्क्रिप्शन मिला था हाथी गुम्फा के इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या मिला था भारतवर्ष का जिक्र देखने को हमें मिला था तो हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन इज साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन सॉल्ट इज तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगा सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट और द पोटेशियम कार्बोनेट इनमें से क्या होगा केमिकल नेम ऑफ द कॉमन सॉल्ट जरा बताएं साधारण नाम का रासायनिक सूत्र तो एन एस कि ए सोडियम क्लोराइड होता है बहुत ही आसान सा सवाल है ये राइट आगे बढ़ेंगे अमद्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो इनको इको किस इक, इक, इक क्षेत्र में सम्मानित किया गया था अब पहले हमारे भारत के क्या माने जाते हैं एक उस फील्ड में माने जाते हैं जिसमें उनको नोबल प्राइज़ मिला है तो लिटरेचर में सबसे पहले मिला था भारत में रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में उसके बाद बात मतलब और वो लोगों को मिला फिजिक्स मिला लेकिन इकोनॉमिक्स में पहला नोबल प्राइज़ मिला कि उसको अमर तस् को मिला है याद रखेंगे तो आंसर हो जाएगा किसका इकोनॉमिक्स हो जाएगा ठीक है साइंस की बात करेंगे साइंस में किसे मिला है हमारे यहाँ नोबल पुरस्कार तो सबसे पहला नोबल पुरस्कार साइंस में किसको दिया गया है हमारे यहाँ उनका नाम भी बताना है और सबसे पहला पुरस्कार लिटरेचर में किसको दिया गया उनका नाम भी बताना है तो लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था सबसे पहला नोबल पुरस्कार 1913 में और सीवी रमन जी को दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए आपका साइंस के लिए नोबल पुरस्कार रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था रमन इफेक्ट अगर फिजिक्स पढ़ी होगी सही से तो आपको पढ़ा होगा रमन इफेक्ट क्या होता है राइट आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा नोट करेंगे कि ग्लाइकोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मुला ऑफ द ग्लाइकोल आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार ठीक है बहुत सारे बच्चे तो भाग गए होंगे क्योंकि सेशन थोड़ा सा लेट हो गया है राइट और उनके पास खबर तो पहुँच नहीं पाई होगी तो दैट्स वाई सम पीपल्स हैव बिन गोन राइट कोई दिक्कत नहीं है भगवान को खुश रखे चलिए सी आंसर ओहो सी टू एच सिक्स ओ टू तो सी टी एच एच सिक्स ओ टू मतलब ग्लाइकोल का नाम हो जाएगा सी टू एच सिक्स ओ टू हो जाएगा ये भी ठीक है पारंपरिक तापू नृत्य किस हाथ से संबंधित हो जाएगा टूबिज स्टेट डज द ट्रेडिशनल टापू डांस बिलोंग्स तापू नृत्य टापू करेंगे तापू टापू तापू तो अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड नागालैंड और दी मध्य प्रदेश यानी कि एम तो क्या हो जाएगा आपका तापू नृत्य हो जाएगा या तापू डांस हो जाएगा बताएं तापू डांस किससे संबंधित हो जाएगा चलो तो टापू डांस की अगर बात करेंगे आपकी क्लास में आने के बाद डे कंप्लीट लगता है ऐसा सब, सो, सब सोच ले कितना अच्छा रहे रहे चलिए तो तो संबंधित हो जाएगा तो बच्चे आंसर दे रहे हैं अपना यूके उत्तराखंड ठीक है जब का राइट आंसर होगा यूके से हो गया AP है राइट आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला सवाल आता है बेटा नोट करेंगे ठीक है बस करो भाई वरना रो दूंगा तो टोटल डिमांड फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज एट वेरियस लेवल्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज रोजगार के विभिन्न रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तु और सेवाओं की कुल मांगों को क्या कहा जाता है चलो रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तु और सेवाओं की मांग को क्या कहा जाता है तो जब आपका आप रोजगार होता है उसके अलग अलग लेवल पर क्या मांगते हैं डिमांड होती है उस डिमांड को क्या कहते हैं उसको एक इफेक्टिव डिमांड कहते हैं एक प्रभावी मांग कहते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपको कौन सा जाएगा इफेक्टिव डिमांड हो जाएगा प्रभावी मांग हो जाएगा राइट आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है बेटा नोट करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल अनुच्छेद 52, 61, 74 और द सेवेंटी तो भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है बावन इकसठ चौहत्तर या फिर क्या हो जाएगा आपका अठहत्तर तो यहाँ पे बात करेंगे तो हो जाएगा आपका कौन सा ये आपका सेविस्टी बन हो जाएगा जिससे महाभियोग लगाया जा सकता है इम्पीचमेंट होता है इम्पीच का मतलब होता है कि जब कोई राष्ट्रपति मतलब अपनी शक्तियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे या संविधान से अकॉर्डिंग ना चलें तो उनके खिलाफ़ क्या किया जा सकता है इम्पीचमेंट चलाया जाएगा जिसके तहत चलाने के लिए पहले एक वोटिंग होगी वोटिंग में ये डिसाइड होगा कि क्या प्रेसिडेंट के खिलाफ चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए उससे पहले फिर चौदह दिन का नोटिस दिया जाएगा नोटिस के बाद फिर बाद में क्या होगा एक कमेटी बैठाई जाएगी कमेटी फिर क्या करेगी डिसाइड करेगी कि वेदर ही इज़ गिल्टी और नॉट वो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगर गिल्टी हैं तो फिर क्या होगा फिर से एक वोटिंग होगी किसमें आपका आपकी आपके लोकसभा में उसके बाद फिर कोई एक्शन भी जो है वो लिया जाएगा उसके बाद वो राष्ट्रपति पद से हटाए जाएंगे और राष्ट्रपति पद से हटाने जाने के बाद फिर उनके खिलाफ क्या होगी कार्रवाई जो है वो की जाएगी तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ पोस्टें हमारे यहाँ उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है लेकिन हाँ उस पोस्ट से हटने के बाद उन पर कार, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है राइट आगे बढ़ेंगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या हो जाएगी तो इंफ्रासोनिक अगर वेब्स की बात करेंगे कौन सी होती है इंफ्रासोनिक मैंने बताया था आप लोगों को तो आपकी जो लेस देन बीस हर्ट्ज हो जाएंगी उनको कहेंगे इंफ्रासोनिक कहते हैं ठीक है फिर द तनामी डिजर्ट इज़ सिचुएटेड इन बिच ऑफ द कॉन्टिनेंट तनामी मरुस्थल विश्व के निम्नलिखित में से किस महादेश में स्थित होगा द तो तनामी डिजर्ट इज सिचुएटेड इन द बिच ऑफ द कॉन्टिनेंट तो अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया एशिया और द अफ्रीका इनमें से किस जगह पर स्थित होगा तनामी मरुस्थल तो तनामी मरुस्थल की अगर बात करेंगे तो विश्व के निम्नलिखित में से किस महादेश में स्थित होगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा कौन सा बेटा आपका आपका ऑस्ट्रेलिया में है तनामी मरुस्थल ठीक है आगे बढ़ेंगे किसे भीतरी हिमालय भी कहा जाता है तो भीतरी हिमालय की अगर बात करते हैं तो भीतरी मतलब अंदर का हिमालय यहाँ पर आपका देख रहा होगा आपका हिमाद्री दिस इज कॉल द भीतरी हिमालय शिवालिक को कहेंगे हम लोग क्या आउटर यानी कि बाहरी हिमालय कहते हैं आउटर या फिर बाहरी हिमालय कहते हैं हिमालय को तीन श्रेणियों में बांटा गया है इनर हिमालय भीतरी हिमालय और आउटर हिमालय राइट तो सबसे नीचे वाला आउटर है सबसे ऊपर वाला क्या है वो आपका इनर हिमालय कह उनको कहा जाता है ठीक है बात आगे बढ़ेंगे सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है बेटा कि आ, प्रादीपी पठार की सर्वोच्च चोटी अन्नामुढ़ी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है तो अन्नामुढ़ी की अगर बात करते हैं तो किस पहाड़ी पर स्थित हो जाएगा साउथ में है यहाँ पर अन्नामुढ़ी और ये अनाई मलाई हिल्स जो पड़ेंगी अनाई मलाई हिल्स के पार्ट हो जाएगा अन्नामुढ़ी पहाड़ियाँ ठीक है बात आगे बढ़ेंगे सो द क्वेश्चन इज़ चलिए क्वेश्चन इज कि गंगा नदी की अनुमानित लंबाई कितनी हो जाएगी अगर गंगा नदी की बात करेंगे यहाँ से बहते हुए बांग्लादेश तक इनकी लंबाई कितनी होगी तो वो अराउंड अराउंड कितनी होती है पच्चीस किलोमीटर के आसपास पाई जाती है एंड अनाजों की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है तो आपको पता होगा कि आपका यूपी बिहार पंजाब और और चार पांच स्टेट हैं वहाँ पे आपके अनाजों की खेती ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जो एक कॉमन फैक्टर होता है कि इनकी खेती के लिए जो मिट्टी चाहिए वो जलोड़ मिट्टी चाहिए यानी कि एलवुअल सॉइल चाहिए जो कि नदी के द्वारा बहा के लाई जाती है तो हो जाएगा एलवियल सॉइल यानी कि जलोड़ मिट्टी हो जाएगा इसका राइट आंसर आगे बढ़ेंगे फिर आता है आपका कि सबसे घने जंगल किस जलवायु में पाए जाते हैं तो या देखेंगे जहाँ पर इनको खूब सारा मॉइस्चर मिलेगा पानी मिलेगा नमी मिलेगी हीट मिलेगी तो यहाँ देखेंगे कि उसी में पेड़ों की लंबाई बहुत बड़ी बड़ी होती है कहते हैं हिमानव भी मतलब जो मानव होता है बड़ा वाला वही भाई पाया जाता है पेड़ का साइज़ मोटा होता है लंबे होते हैं चौड़े ज्यादा नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा देखा जाए तो फॉरेस्ट का अराउंड अराउंड सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो आपका यहीं पे मिलेगा देश का मतलब जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो भी आपकी पूरी पृथ्वी की यहीं से होती है इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल रीजन यानी कि भूमध्य साखरी भूमध्य होमद रेखी कहा कहेंगे इनको जंगल कहते हैं राइट आगे बढ़ेंगे हिमदानव हाँ ऐसे करके एक एक, एक, एक स्पीसीज़ है कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े आदमी यहाँ पर रहते थे पहले तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हो सकते हैं राइट आगे बढ़ेंगे फिर द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इज चट्टान जो पिघले हुए मैग्मा से बनी होती है उसको क्या कहते हैं तो इससे जो पिघल के बनेगा उसको बोलेंगे इग्नियस रॉक और दो तरीके की होती हैं एक इंट्रूसिव होती है एक एक्सक्लूसिव एक होती है एक जल्दी ठंडी हो जाती है एक बाद में ठंडी होती है तो इनको बोलते हैं इंट्रूसिव एंड द एक्सक्लूसिव बोलते हैं ठीक है बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आ, 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 हम रह सकते हैं क्या इक्वेटर पर जाके हाँ रहिए आराम से क्यों नहीं रह सकते हैं आप जाइए आराम से रहिए आराम से अफ्रीका वगैरह निकल जाइए आराम से रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है मस्त माहौल रहता है ह्यूमिडिटी बहुत रहेगी पसीना कभी सूखेगा ही नहीं राइट और पानी बरसता रहेगा मौसम एकदम से रह... मतलब रोमांटिक मौसम रहेगा राइट इसको रोमांटिक मौसम तो कहते हैं बॉलीवुड वाले तो पानी बरसते ही इतने सारे गाने बना देते हैं राइट तो बॉलीवुड वालों ने बरसात का मतलब ही कुछ अलग बना के रखा हुआ है हाँ बरसात के दिन आए किसान से पूछो बरसात के दिन में क्या करता है बेचारा हल चलाता है खेत में जाके हाँ फसल का इंतजार करता है कितना खुश होता है वो और ये कुछ और ही मतलब निकाल के बैठे हुए हैं बरसात के दिन आए टिप टिप बरसा पानी हाँ बरसात के मौसम में और क्या था और कुछ है और बहुत सारे गाने हैं हाँ बरसोरे मेघा मेघा हाँ और, और कौन कौन बहुत सारे ऐसे गाने यार मतलब कुछ भी कर है ने। राइट तो आदमी सोच भी वही हो गई है देखो बरसात के टाइम पर जिस दिन बरसात हो और शाम को देखो मंदिर से ज़्यादा भीड़ आपको मधुशाला में मिलेगी वहाँ मंदिर पर भी इतनी भीड़ नहीं होगी मिठाई की दुकान पर इतनी भीड़ नहीं होगी बता रहा हूँ मैं आपको जितनी मधुशाला भीड़ होती है लोगों को मौसम चाहिए आज थोड़ा मौसम थोड़ा गीला गीला है थोड़ा गला गीला कर लिया जाए राइट तो ये मैंटलिटी कहाँ से आई है ये ये कहाँ से आई है यहीं से तो आई है हाँ हाँ सरसों वगैरह काटने को है बारिश हो गई है गेहूँ खड़ा हुआ है वहाँ जाके पूछो सर्विस क्लास तो मजे करती है पकौड़े तलती तो है राइट चलिए आगे बढ़ेंगे खैर अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या आता है यहाँ से कि बिज ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द प्रेशर फॉर एनी राइट फॉर एनी 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 जोग्राफिकल एरिया तो निम्नलिखित में से कौन सा किसी भौगोलिक क्षेत्र के बायोमेट्रिक दबाव को प्रभावित करता है तो यहाँ पर देखेंगे मधुशाला इतना शुद्ध हिंदी हाँ मधुशाला उसमें क्या हो गया ऊंचाई तापमान या पृथ्वी का घूर्ण या उपरोक्त सभी बताएं तो निम्नलिखित में से कौन ईसा किसी भौगोलिक क्षेत्र के बायोमेट्रिक दबाव को, प्रभाव को प्रभावित करता है ऊंचाई तापमान पृथ्वी का घूर्णन या उपरोक्त सभी राइट तो आंसर हो जाएगा इसमें बेटा नोट करेंगे हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी यानी कि उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इसको प्रभावित करता है आगे बढ़ेंगे और ठीक है इससे एल्टीट्यूड से फर्क पड़ता है याद देखेंगे तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हाइट बढ़ेगी प्रेशर कम होता जाएगा नीचे बढ़ेंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा टेम्परेचर फर्क पड़ता है रोटेशन ऑफ़ द अर्थ फर्क पड़ेगा रोटेशन बढ़ेगा प्रेशर कम होगा रोटेशन कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा राइट आगे बढ़ेंगे भारत में खनिजों का सबसे समृद्ध पठार कौन सा माना जाएगा द रिचेस्ट प्लेटू ऑफ मिनरल्स इन द इंडिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हो खनिज पाए जाते हैं मंडल्स पाए जाते हो दिस इज कॉल्ड दी छोटा नागपुर प्लेटू ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे फिर आता है भारत का सबसे बड़ा मैग्नेसाइट जमा किस राज्य में पाया जाता है तो मैग्नेसाइट जो सबसे बड़ा पाया जाएगा ये कहाँ पर है मैंने कल बताया था आप लोगों को तो ये आपका उड़ीसा में पाया जाएगा सबसे बड़ा मैग्नेसाइट और लार्जेस्ट मैग्नेसाइट डिपोजिट है कहाँ पर इंडिया का उड़ीसा हो जाएगा तमिलनाडु नहीं हो जाएगा राइट तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा नहीं तमिलनाडु होगा उड़ीसा होना चाहिए था यार नहीं तमिल अच्छा वो तो उसका है कॉपर का है इसका तमिलनाडु ही होगा राइट तमिलनाडु यानी कि टी एन होगा ठीक है माई मिस्टेक इट्स ऑन मी राइट चलिए तमिलनाडु होगा इसका आंसर मैं साइड का जमा हाँ तमिलनाडु होगा तो, डोंट डौ, वरी ठीक है उड़ीसा अलग लग गया राइट आगे बढ़ेंगे फिर आता है यहाँ से कि उत्तर प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जलवायु क्षेत्र आते हैं तो टोटल मिला के उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र आते हैं राइट तो वो कल तुम लोगों ने लगाया था मुझे याद हो गया वो चलिए तो टोटल मिला के यूपी में जो है कितने हैं आपके ये तीन जलवायु क्षेत्र जो है वो पाए जाते हैं याद रखेंगे ठीक है पूरे भारत की अगर बात करी जाए तो पूरे भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं पूरे ऑल ऑल ओवर इंडिया में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाएंगे नमस्कार रुचि विश्वकर्मा जी नमस्ते पूरे भारत में कितने हो जाएंगे पांच हो जाएंगे वेरी गुड दुबे जी बहुत बढ़िया और बताएं पूरे भारत में पांच है जिसमें कि उत्तर प्रदेश में तीन आ जाते हैं राइट आगे बढ़ेंगे तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था तुलसीदास उनज डिस्ट्रिक्ट तुलसीदास की अगर बात करते हैं तो तुलसीदास का जन्म यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था चित्रकूट बरेली रामपुर प्रतापगढ़ अच्छा वो अपनी बीवी के कारण जो बने थे लेखक वो कौन तुलसीदास थे कि कालिदास थे तुलसीदास कालिदास में से कौन से थे जो अपनी बीवी के चक्कर में बने थे राइट right. तो बीवी के कारण जो बने थे बीवी के बीवी छोड़ के चली गई थी आई थिंक फिर बाद में वो बहुत बड़े ज्ञानी बन गए थे कौन था वो किसी को याद है कुछ तुलसीदास ही थे तुलसीदास ही थे हाँ तुलसीदास थे तुलसीदास थे हाँ तुलसीदास थे ऐसा कुछ था चित्तकूट एक तुलसीदास थे यहाँ पर तो ऐसा कुछ कहानी है सुनी थी मैंने हाँ तुलसीदास थे तो हो जाएगा आपका इनका चित्रकूट हो जाएगा आंसर कुछ कहानी कुछ ऐसी है कि मतलब पता नहीं सच है एक झूठे मुझे नहीं पता हाँ <laughs> तो हुआ क्या था कि ऐसे करके कहीं पे कुछ एक स्त्री थी उसने बोला था कि मैं यहाँ पर सबसे ज्ञानी पुरुष से क्या करूँगी शादी करूँगी तो एक कोई गया था शादी करने के लिए तो उसके इंसल्ट करके क्या किया था मतलब पता नहीं मुझे कौन था दोनों में से कोई एक था मुझे नहीं पता था हाँ तो आ, हाँ तो उसमें क्या था कि उसमें मतलब आ, मतलब ऐसे थे तो उसमें ये हुआ कि शादी उसकी इंसल्ट हो गई तो बाद में हुआ कि वो अच्छा वो कालीदास थे जब कालीस रहे होंगे तो वो कालीदास थे तो हुआ कि उसकी शादी कराई जाएगी तो एक बार क्या वो बंदा इंसल्ट होकर वापस आ रहा तो रास्ते में देखा कि एक बंदा क्या है कि जिस डाली में बैठा हुआ है पेड़ पर पे, उसी डाली को काट रहा है राइट तो जिस डाली बैठा हुआ उसी डाली को काट रहा है उसे लगा कि ये बहुत बड़ा बंदा है तो उन्हें बोला कि ठीक है और जब मैं कुछ सवाल डाके लेके गए कि सवाल पूछूँ जब उसमें इशारा करूं बस वो जवाब दे देना तो उसने यूर के बारे में पूछा तो यूशर ने बोला कि वो एक है सिर्फ एक ऐसे एक उंगली उठा दी यूर एक है जैसे कुछ सवाल थे मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है बचपन में सुनाई थी दादाजी मतलब दादाजी ने बहुत बहुत टाइम पहले राइट तो ऐसे करके फिर उसकी शादी हो जाती है शादी होने पता चलता है कि वो बिल्कुल क्या एकदम अनपढ़ है और बिल्कुल क्या गरीब है तो उसमें क्या होता है उनकी पत्नी जो उनके छोड़ के चली जाती है उसके बाद फिर बाद में वो ज्ञानी बन जाते हैं राइट काश कोई ऐसे मुझे भी छोड़ के जाता <laughs> चित्रकूट क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तो दे विच डिस्ट्रिक्ट द गंगा रिवर एंटर्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश देखो पहले ज़माने में लोग छोड़ के जाते थे तो क्या बन जाते थे कालिदास बन जाते थे आज के ज़माने में कोई छोड़ के जाता है तो देवदास बन जाते थे ठीक है और अब जो कोई छोड़ के जाता है तो पता नहीं क्या बनते हैं बताए आई डोंट नो राइट चलिए तो वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रवेश करती है तो वो क्या हो जाएगी देवदास तो बनते थे अब देवदास नहीं बनते देवदास बनने के लिए भी जिगर चाहिए भाई देवदास बनने के लिए भी मतलब तो बहुत हिम्मत चाहिए हर किसी काम नहीं होता है देवदास बनना आई बात समझ में चलिए थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट द गंगा रिवर एंटर्स द स्टेट ऑफ़ द उत्तर प्रदेश तो यहाँ पर हो जाएगा वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रवेश करती है उसको बोलेंगे कौन सा आपका हो जाएगा ये बिजनौर राइट बिजनौर बिजनौर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है चलिए याद रखेंगे चलो आ, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है विच इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ़ द उत्तर प्रदेश आ, सेम पिंच चिराग चुदा सामाजी सेम पिंच एकदम से सेम ही दर्द है चलिए फिर आपको देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी शारदा नहर बेतवा कनाल बेलन कनाल या फिर आपका मेजा कनाल इनमें से कौन सी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हो जाएगी आपकी कौन सी चलिए लव यू टू अमर यूपीपी पुलिस प्रशांत नहीं दिख रहा प्रशांत कहाँ है अच्छा प्रशांत इधर है चलो तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा शारदा कैनाल हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है तो उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी स्टेट्स छः सात आठ नौ छः सात आठ नौ इनमें से क्या हो जाएगा चलो तो यहाँ से हो जाएगा बेटा कौन सा याद रखेंगे तो उत्तर प्रदेश सीमा अगर कितने राज्यों की बात करेंगे तो हमारे हो जाएंगे आठ राज्य हो जाएंगे और आठ राज्यों के साथ साथ में यहाँ पर एक यूनियन टेरेटरी हो जाएगी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा तो आठ प्लस एक क्या हो जाएगा इसका नौ हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की जो अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे वो किस पर आधारित होगी मत्स्य पालन एग्रीकल्चर टेक्सटाइल या फिर माइनिंग इनमें से उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस चीज़ पर आधारित होती है तो याद देखेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हमारी एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर आधारित हो जाएगी क्योंकि लोग यहाँ पर किसान ज्यादा हैं खेती ज़्यादा होती है लोग खेती में क्या है इन्वॉल्व हैं उत्तर प्रदेश बिहार जैसे आपके स्टेट हो गए वो सब ठीक है यहाँ पर आपका आ, फिशिंग टेक्सटाइल वगैरह इतना नहीं है माइनिंग तो बहुत ही ना के बराबर है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा सबसे अगर ऊंचा बांध की बात करें उत्तर प्रदेश का तो कौन सा होगा रेहंद डैम माता टीला डैम मेजा डैम या फिर आपका अदवा बांध इनमें से कौन सा हो जाएगा सबसे ऊंचा डैम तो विच इज़ द हाइएस्ट डैम इन द उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा रिहंद माता टीला मेजा और कौन सा हो जाएगा आपका अदवा तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो नोट करेंगे बेटा कौन सा हो जाएगा ये आपका रिहंद डैम हो जाएगा ठीक है पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ें अगर तो पता लगता है कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के कितने मंडलों में बांटा गया है तो द इंडियन स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इं हाउ मेनी डिवीजनस तो भारतीय राज, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है तो अठारह बारह पचहत्तर और पंद्रह तो द इंडियन स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज़ डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी डिविजन्स कितने डिवीजन्स में इसको बांटा गया है जरा बताएं फटाफट क्या हो जाएगा तो अठारह मंडल हो जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच कहाँ बनाए जाते हैं किस जगह पर रेलवे के कोच बनाए जाते हैं रायबरेली गाजियाबाद फतेहपुर या फिर प्रयागराज ठीक है तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है लखनऊ और इलाहाबाद के बीच में पड़ती है उसका नाम है रायबरेली और रायबरेली में क्या होगा आपका ये आपके रेलवे के कोच जो है वो बनाए जाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड द रायबरेली आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से आता है बेटा कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है कहाँ पर तो लॉइन सफारी आपका कहाँ पर पड़ेगा भाई ये हमारे मुलायम सिंह जी के एरिया में जिसका नाम है इटावा इटावा में पड़ता है आपका कौन सा लॉइज सफारी पड़ता है ठीक है आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित पड़ेगा तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का और किस जगह पर पड़ेगा लखनऊ में है कानपुर में है झांसी में है या फिर आपका वाराणसी में है तो दिस इज जिंदा दिंदा वाराणसी पड़ेगा ठीक आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाएगा सीमेंट उद्योग है आईटी उद्योग है हैंडलूम इंडस्ट्री है या फिर स्पोर्ट इंडस्ट्री है कौन सा उद्योग उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है कृषि के बाद वैसे तो एग्रीकल्चर सोसाइटी हमारे यहाँ लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है जो हैंडलूम यानी कि जो हथकरघा उद्योग है वो सबसे ज़्यादा नंबर पर है नंबर एक पे आता है अगला सवाल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश तो जब कभी भी किसी के भी राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाएगी तो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई और प्रदेश हो राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करेंगे ठीक है आगे बढ़ेंगे कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है ये आपको चार डांस दे रखे हैं इन चार डांसों में आपको बताना है कि कौन सा डांस उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं रखता है मयूर नृत्य रासलीला कठपुतली डांस या फिर आपका चरगुला डांस तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो डांस है आपका कौन सा कठपुतली नहीं आंसर हो जाएगा आपका कौन सा पपेट डांस कठपुतली जो है उत्तर प्रदेश का नहीं होगा ये डांस जो है खा, खासकर राजस्थान में किया जाता है कठपुतली डांस राइट वहाँ पे ऐसे करके कठपुतली नचाते हैं राइट हाँ यहाँ लोगों को नचाते हैं ये अलग बात है यहाँ यूपी में लोग कठपुतली नचा के क्यों करेंगे राइट यहाँ पे लोग ही मिल जाते हैं नचाने के लिए तो उनको ही नचा लेते हैं तो झूठ मूठ का दिखावा नहीं करते हैं रियल आदमी ना चाहते हैं राइट आगे बढ़ेंगे ठीक है नेता के देखिए नेता के आगे पीछे कितने लोग घूमते रहते हैं तो एक नेता होता है पचास हजारों कठपुतियाँ होती हैं तो उनको उसी मजा आ रहा है ठीक है बाबू सोना <laughs> बाबू सोना की अलग कहानी है वो तो अलग छोड़ देंगे उसको वो भी घुमाते हैं वो भी नचाते हैं खैर उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी प्रमुख हो जाएगी तो विद सॉयल इज़ प्रो डिमिनेंट इन द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में कौन सी कौन सी मिट्टी <laughs> सबसे ज़्यादा पाई जाती है नदियाँ वही बड़ी उत्तर प्रदेश में नदियाँ अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं किनारे पर छोड़ के जाती हैं और मैदान बन जाते हैं उन मैदानों को मैदान कहा जाता है अब उन मैदानों में जो मिट्टी पाई जाती है वो होती कौन सी भैया जलोल मिट्टी होती है फिर एल्वियल्स ऑयल इसको कहते हैं ये मिट्टी पाई जाएगी ठीक है अरे काली नहीं होगी ब्लैक कैसे हो जाएगी अमर यूपी पी पुलिस अभी देखे हो काली मिट्टी यूपी में कहाँ देखो अपने घर के आसपास देखो काली मिट्टी है कहीं पे घूरे पे मिलती काली मिट्टी काला काला जो घूरा होता है वहाँ हो जाती है ऐसे तो खोदोगे तो ऐसे तुम्हें मटेली मिट्टी मिलेगी और मिट्टी वो कौन सी है जलोड़ मिट्टी है एलब्यूल्स आयल है ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आता है आपका बेटा कि राष्ट्रीय की, की गणना कैसे की जाती है कैसे निकालोगे तुम राष्ट्रीय आय अगर नेशनल इनकम निकाली हो तो ये कौन सा क्या भेजा किसने द एक्स अब अबसेख ये क्या है क्या ये ओहो मुझे लगा ये कोई लीची वीची है मतलब ऐसे अगर कोई फ्रूट रूट है ये तो जलता हुआ दिल है ओहो चलिए तो राष्ट्रीय की गणना कैसे की जाती है जरा बताएं तो राष्ट्रीय गणना करने के लिए आप क्या करेंगे नोट करेंगे नोट करेंगे याद करके तो आपका जो नेट आपका नेशनल प्रोडक्ट होगा एन एन पी वैसे क्या करेंगे तो एन एन पी में से आप क्या करेंगे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे उनको घटा देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को घटाने के बाद उसमें सब्सिडी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो दिस इज़ कॉल्ड द नेट नेशनल इनकम ठीक है बाद आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आगे आता है क्या कि एन एन पी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एन एन पी तो आपका नेट नेशनल क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ठीक है आपका कुल आपका राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला सवाल यहां से आता है बेटा कि निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी अनुपूरक इकाई हो जाएगी इनमें से कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाएगी सप्लीमेंट्री यूनिट वो होती है जब किसी एक यूनिट की जगह पर उसका यूज किया जाता है तो जो भी यूनिट आपकी होती है जो जो आपकी जो आपकी एक्चुअल यूनिट है उसकी जगह पर किसी यूनिट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट तो जहाँ पर देखेंगे आपका ये जो 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 आपका रेडियन और जो स्टेरेडियन है ये दोनों एंगल के लिए किया जाते हैं इस्तेमाल और दोनों को क्या कहा जाएगा सप्लीमेंट्री लैंग्वेज सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है बेटा कि एक साधारण पेंडुलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा पेंडुलम की बात करेंगे ये टंगा हुआ पेंडुलम होता है ये ऐसे जाएगा यहाँ तक यहाँ से वापस आएगा टाइम पीरियड हो जाएगा पूरा टाइम लगेगा इसमें ऐसे पूरा कंप्लीट करने में टी लगेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा तो एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इज मैगजिम एट द टू एक्सट्रीम पोजिशन अच्छा एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम इज़ मैगजिमम एट द मीन पोजिशन यहाँ पर या इक्वल एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन या कांट से कैसी होती है एनर्जी देखो एनर्जी की अगर बात करेंगे कहाँ पर ज्यादा होगी तो याद रखिएगा बेटा यहाँ पर एनर्जी जो है आपका हर पॉइंट पे क्या होती है इक्वल होती है मोशन के टाइम पर पेंडुलम में

ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ द Galileo तो लॉ ऑफ Galileo कौन सा होगा जो न्यूटन का हमारा कौन सा हो जाएगा ये पहला नियम हो जाएगा इनके मुताबिक क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रखा रहेगा चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई मोशन या कोई फोर्स नाच लगाया जाए राइट उसको तो बोलते हैं फर्स्ट लागू क्या बोलेंगे गेली लियो बोलते हैं राइट जैसे कि मान लीजिए कि आप <laughs> तो मोशन लगता है हर चीज़ में कोई फोर्स लगता है राइट आप बैठे हुए हैं आप जा रहे हैं रास्ते से राइट आप गाड़ी चला के जा रहे हैं आप गाड़ी चला के जा रहे हैं तो एक स्पीड में चल रहे हैं और रास्ते में कोई आप हाँ बच्चे सब कोई बच्चे के हर कोई फास्ट फास्ट मांगता है आजकल कोई दिक्कत नहीं परेशान ठीक है तो वो रास्ते में किसी को देखा वहाँ पर तो क्या हो गया आपका वहाँ पर उसने देखा तो उसे फोर्स लग गया वो रुक गया राइट हाँ <laughs> वो भी आपका क्या होगा तो रुकने वाला हो गया तो कोई फोर्स चाहिए ना अब घर पर बैठे हुए किसी ने बुलाया कि आ जाओ मिलने आ जाओ तो वो एक फोर्स लगा तो उठते हुए चले गए अब कोई फोर्स नहीं लगा तो पड़े रहोगे आराम से आदमी आदमी सब ऐसे ही पड़ा रहे कोई फोर्स ना लगे तो सच बता रहे हैं आपको राइट आगे बढ़ते चलो. हैं चलो अगला सवाल देखिए यहाँ से क्या आता है नोट करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था किसने दिया था हाँ तुमने बुलाया और हम चले आए जान हथेली पर ले आए राइट चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो आंसर देंगे कौन हो जाएगा बहुत सिंपल जवाब है न्यूटन सिर पे सेब गिरा था और सेब गिरने के बाद इनको क्या हुआ गुरुत्वाकर्षण का मतलब फॉमला जो है इनको आ गया मैं भी गया मार्केट में एक टोकरी सेब खरीद के लाया ठीक है बहुत सारे सेब गिराए बट ऐसा कुछ कौनसेप्ट निकल के नहीं आया राइट आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है बेटा यहाँ से कि कौन सी ग्रीक अच्छा तरंग देथ को दर्शाता है तरंग देथ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बेबलेंथ हो जाएगा बेबलेंथ को बोलेंगे तो क्या बोलते हैं लेमडा बोलते हैं राइट तो लेमडा बोलेंगे तो लेमडा होता है आपका कौन सा आपका ये ग्रीक अक्षर होता है जैसे क्या दर्शाते हैं बेबलेंथ को दर्शाते हैं लेमडा कहाँ हो गया ये लेमडा हो गया इसको ओमेगा बोलते हैं राइट ये ओमेगा हो जाएगा बेलोसिटी होती है एंगुलर बेलोसिटी एंगुलोर बेलोसिटी को इससे करते हैं ये माइक्रो हो जाता है माइक्रो ये एप्सालोन हो जाता है राइट एप्सलोन ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आता है एक ग्राम कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है तो अगर एक ग्राम कैलोरी की अगर बात करेंगे तो उसमें कितने जूल एनर्जी होती है जरा बताएं एक ग्राम कैलोरी में एक ग्राम कैलोरी में कितनी एनर्जी होती है तो आंसर हो जाएगा कितना बेटा ये फोर पॉइंट टू कलोरी होती है क्लास नाइन्थ का टॉप क्वेश्चन है एट्थ नाइन्थ का ठीक आगे बढ़ेंगे एक सामान्य मानव शरीर का तापमान सैंतीस डिग्री सेल्सियस है फॉरन हाइट में मापने पर यह तापमान कितना होगा तो द टेम्परेचर ऑफ़ अम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस इन फॉरन हाइट स्केल दिस टेम्परेचर इज नाइन्टी एट पॉइंट फोर डिग्री फॉरन हाइट डिग्री फॉरन हाइट डिग्री फॉरन या फिर आपका नाइन्टी सो द एट इज नाइंटी डिग्री फॉरन राइट आगे बढ़ेंगे एम्पियर प्रतिवर्ग इंच इलेक्ट्रोड संकर अनुभागीय क्षेत्र क्या होगा तो एम्पियर पर स्क्वायर इंच ऑफ द इलेक्ट्रोड क्रॉसियर एम्पियर एरिया तो इसको क्या बोलेंगे करंट की क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे अरे भाई इसको डेंसिटी बोलेंगे ना हाँ तो पर्टिकुलर किसी घनत्व तो बोलते ना किसी एरिया में निकल रहा है डी कैसे हो जाएगा अरे इसका मतलब है एम्पियर मतलब करंट निकल रहा है एम्पियर अपॉन एरिया का स्क्वायर तो पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट निकल रहा है तार के अंदर कितना करंट जा रहा है तो इसको बोलेंगे करंट की डेंसिटी बोलेंगे तो एक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बात आगे से मास समान वॉल्यूम होता है क्या करते हो बुधुब डेंसिटी होती है ना कितना मास है कितने उस वॉल्यूम में राइट आगे बढ़ेंगे फिर आता कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है सूर्य की ऊष्मा यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी के द्वारा किस तक पहुंचता है परावर्तन चालन विकिरण या फिर क्या हो जाएगा आपका संवहन राइट right? अच्छा एक बात बताइए मान लीजिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं एक चीज़ सोची कभी आपने कि साउंड जो है वो ट्रेवल करता है किसमें साउंड जो ट्रेवल करता है वो किस में ट्रेवल करता है वो उसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए बोलो हाँ या ना साउंड ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई क्या चाहिए मीडियम चाहिए माध्यम चाहिए और हाँ मीडियम चाहिए नहीं चाहिए अब देखो अर्थ के बाद क्या होता है अर्थ के बाद एटमोसफेयर होता है अर्थ का एटमोसफेर होता है एटमोस्फेयर के बाद यहाँ पर निर्वात होता है निर्वात यानी कि पूरा वैक्यूम है ये तो साइंस प्रूव कर चुका है कोई नहीं मान लीजिए भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं अब यहाँ पर गॉड बैठे हुए हैं और तुम तो यहाँ से प्रार्थना कर रहे हो चिल्ला रहे हो चिल्लाने के बाद तुम्हारी आवाज़ यहाँ तक जा रही है उसके ऊपर जा ही नहीं रही भाई ये रॉन्ग नंबर है इसके ऊपर आवाज़ तुम्हारी पहुँच ही नहीं सकती है क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवड है राइट तो भगवान के पास आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी आप कितना तेज़ से भी चिल्लाएँ माइक लगा के चिल्लाएँ जगराते करें अगर डीजे बजाएं, जो भी बजाएं, कोई नहीं पहुंचेगा, ठीक है देखेंगे हाँ तो यहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी आपकी तो इसका मतलब या तो भगवान यहीं पर बैठे हुए हैं या भगवान जो है पृथ्वी पर ही है तो जो आवाज़ सुन रहे हैं हमारी या जो है भगवान के पास कॉल कैसे जा सकती जा ही नहीं सकती यार राइट चलिए तो लोग बोलते हैं हमने भगवान को कॉल लगाया है और भगवान को नंबर लगाया भगवान से नंबर लगा रहे हैं बातचीत हो रही है राइट तो भगवान या तो यहीं 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 आस ही पास हैं तो तुम यहाँ ढूंढ क्यों रहे हो और अगर यहाँ हैं तो तुम आग नंबर लगा ही नहीं सकते हो क्योंकि फिर जो आइनो स्पेयर है वो तो आपका अंदर ही पा जाएगा पृथ्वी है उसके ऊपर तो सिग्नल जा ही नहीं पाएंगे तो वो नंबर भी नहीं लगा राइट मतलब ये सोचा मैंने <laughs> तो इतना सोचा तो मुझे लगा तो मुझे लगा कि यार ये तो सही बात है यार बिल्कुल स... मतलब ये मेरी खुद के दिमाग की देन है राइट इस पर कापी मेरा ही है राइट हाँ मतलब ये कॉपी मेरा ये तो मैंने सोचा ही है यहाँ से यहाँ तक ठीक है ये निर्वात में कैसे जाएगी आवाज़ नहीं जा सकती राइट इसलिए मन से याद करो मन से याद करो राइट मन से याद करो ठीक है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आता है बेटा नोट करेंगे कि

ये लाल हो जाएगा लाल वायलेट नहीं होगा तरंग दैद अधिकतम हो जाती किसमें हो जाएगी लाल में हो जाएगी राइट बेब्यूर करेंगे तरंग दैत की बात करेंगे तरंग दैद किस में हो सबसे कहा होती है तो बेब्रेन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ हो जाएगी लाल में हो जाती है इसीलिए स्केटर जो है वो नहीं होता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग इनर्जी सबसे ज्यादा वायलेट में होगी राइट एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने एक बिंदु पर अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है गठित प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा क्या होगा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द इनफैक्ट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर अगर कॉन्वेक्स मिरर के आसपास इसको रखा जाएगा तो कॉन्वेक्स 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 मिरर के आसपास रखा जाएगा तो मुझे बताइए कॉन्वेक्स मिरर के आसपास रखने पर अगर बात करेंगे तो द इमेज फॉर्म्ड इमेज फॉर्म्ड एज किसके बीच में बनेगी कैसी बनेगी तो वर्चुअल एंड द इलाज वेरी गुड वर्चुअल और क्या बनेगी आपकी डिम्निस्ट बनेगी छोटी बनेगी वर्चुअल एंड द डिमनिस्ट छोटी बनती है बहुत छोटी बनेगी याद रखेंगे इलाज नहीं बनेगी इन्लाज तब बनेगी जब उसको फोकस पर रखेंगे ठीक है फोकस से इधर रखेंगे राइट आगे बढ़ेंगे अगला सवाल आता है कि साबुन के बिलियन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं तो साबुन का जो घोल होता है उस घोल के जो बुलबुले होते हैं राइट वो रंगीन क्यों दिखते हैं राइट इसीलिए गाना बना है बुलबुले रे बुलबुला हम बुलबुला रे बुलबुला कुछ गाना भी तो है ऐसे करके राइट क्यों क्योंकि बुलबुला रंगीन होता है तो इसी वजह से गाना बनाया गया होगा आई थिंक तो ये हो जाएगा आपका प्रकीर्णन व्यक्तिकरण बिछेपण और ध्रुवीकरण कौन सा क्या हो जाएगा इसका नोट करेंगे तो ये हो जाएगा नोट करेंगे हो जाएगा आपका कौन सा ये इंटरफ्रेंस यानी कि व्यक्तिकरण के कारण हो जाएगा राइट right? हाँ तो क्या हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा गाना सुना आप लोगों ने बुलबुला रे बुलबुला मुझको बाहों में सुला बुलबुला खुद झूल रहा है उसका खुद अस्तित्व नहीं थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा वो तुमको कैसे सुलाएगा राइट right? खुद भी डूबेगा तुमको भी ले डूबेगा तो बुलबुलों से बच के रहिए जिंदगी बचानी है तो द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज फ्रॉम विद्युत धारा प्रवाहित होती है किससे विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है किससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है जरा बताएं सेल के अंदर धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर या फिर लो पोटेंशियल टू तो हाई पोटेंशियल नहीं या फिर आपका हाई पोटेंशियल टू तो लो पोटेंशियल याद रखेंगे तो बिजली प्रभावित होती है कहाँ से बेटा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में प्रवाहित होती है विद्युत धारा क्या हो जाएगा विद्युत धारा ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखिए यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसिस द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज तो टेलीग्राफ रिसीवर या फिर आपका हो जाएगा घड़ी क्या मोटर बाइक या सेल फोन जरा बताएं तो इसमें से क्या हो जाएगा ज़रा बताएं तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज किया जाएगा तो इसको बोलेंगे बेटा कौन सा हो जाएगा हमारा आ ये आपका टेलीग्राफ रिसीवर जो होता है इसमें किया जाता है इलेक्ट्रो का यूज किया जाता है राइट आगे बढ़ेंगे विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के संबंध की खोज किसने की थी तो द डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन है वो किसने ढूंढा था माइकल फराडे एच सी ऑस्ट्रेड जेसफ हॉर्नरी या विलियम स्टर्जन तो क्या हो जाएगा इसका आंसर अच्छा ए होगा चलिए वह लगाते हैं इसका एच सी ऑस्ट्रेड हो जाएंगे राइट तो एच सी ऑस्ट्रेड ने सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक करंट के बीच का जो डिफरेंस उसको ढूंढा था बी आंसर राइट होगा यहां तक सबका गलत है राइट नोट कर लीजिएगा इसको आगे बढ़ेंगे एक रेडियोधर्मी स्रोत की गतिविधि की इकाई क्या हो जाएगी अगर बात करें द यूनिट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स इज बैकरल गॉस कैलविन और फिर न्यूटन तो यहाँ पर नोट करेंगे बैकरल गॉस कैलविन और फिर न्यूटन क्या हो जाएगा तो एक रेडियो धर्म स्रोत की गतिविधि की इकाई क्या हो जाएगी नोट करेंगे तो यहाँ पर जाएगा नोट करेंगे बेटा आपका नोट करेंगे आपका बैकरल हो जाएगा सो बैकरल इज दी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ए इज दी राइट आंसर हो जाएगा बैकरल हेनरी बैकरल ने की थी इसकी खोज ठीक है आगे बढ़ेंगे और टाइम भी होने चला है थोड़ा देख लेते हैं यूरेनियम के परमाणु का विखंडन कोयले के कार्बन परमाणु के दहन से उत्पादित ऊर्जा से कितनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है तो द फिजन ऑफ एन एटम ऑफ द यूरेनियम प्रोड्यूस द मोर एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई द कम्बसन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल बाय तो यूरेनियम के परमाणु का विखंडन कोयले के कार्बन परमाणु के दहन से उत्पादित ऊर्जा से कितनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है तो एक मिलियन टाइम्स या फिर आपका दस मिलियन टाइम्स या फिर हंड्रेड मिलियन टाइम्स या फिर आपका हो जाएगा थाउजेंड मिलियन टाइम्स इनमें से कितना हो जाएगा तो यहाँ पर नोट करेंगे कि यहाँ पर यूरेनियम के परमाणु के विखंडन के कोयले के कार्बन परमाणु के दहन से उत्पादित ऊर्जा से जितनी अधिक ऊर्जा उत्पादित करता है वो कितना हो जाएगा आपका दस मिलियन टाइम्स क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा सो बी इज दी राइट आंसर आगे बढ़ेंगे निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश पहन करता है या नहीं अ डिवाइस दैट कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अ चार्ज और नॉट इज नोन एज तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश बहन कर सकती है या नहीं राइट तो इसमें बोलेंगे कौन सा आपका माइक्रोस्कोप गायरोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप या डेलेडोस्कोप इनमें से क्या बोलेंगे इसको तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नोट करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा तो डी इज़ द राइट आंसर ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए आप लोगों के आगे बढ़ते हैं वैज्ञानिक नामकरण या नामबली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी द सिस्टम ऑफ द साइंटिफिक नेमिंग और द नोमिंग क्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं चीज़ों के वो किसके द्वारा शुरू किए गए थे राइट तो लीनियस हैकल डॉर्बिन या फिर डोबेराइनर इनमें से कौन हो जाएंगे जिसने इसको शुरू किया था तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो याद देखेंगे जो हमारे लीनियस हो जाएंगे लीनियस ने शुरू किया था आपका इसका नामकरण आगे देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट इन द विच ऑर्गेनिज्म दैट फॉल्स अंडर किंगडम तो परमाणु झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित होता है जो आ, किसके अंतर्गत आते हैं मोनरा प्लांटी एनिमिलिया या फिर आपका कबक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट इन द ऑर्गेनिजम्स दैट फॉल अंडर किंगडम मोनेरा प्लांटी एनिमालिया या फिर आपका हो जाएगा कौन सा कबक तो इसमें आंसर हो जाएगा बेटा आपका कौन सा ये मोनेरा हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा वनस्पति कोशिका में भोजन संग्रहित करता है सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कैन स्टोर फूड इन द प्लांट सेल्स तो उसको बोलेंगे गोलगी अपात्रुष रिक्तिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हो जाएगा केंद्रक इनमें से क्या हो जाएगा चलिए तो निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा वनस्पति कोशिका में भोजन संग्रहित करता है तो वनस्पति कोशिका में भोजन संग्रहित कौन करेगा ये करेगा आपका बैक्यूल्स करते हैं रिक्तियां करते हैं याद रखेंगे ठीक है और एनर्जी स्टोर कौन करता है हमारे एनिमल सेल्स में वो माइटोकोंडिया करती है एटीपी के फॉर्म में तो वो आइटोकोन्ड्रिया हो जाएगी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा बैक्यूअल्स करते हैं ठीक है थीके? आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर कि डीएनए में थायमिन हमेशा किसके साथ जोड़ा जाता है तो इन डीएनए द थाइमिन ऑलवेज पेयर्स विथ एंडीनाइन साइटोसिन गुआनिन या फिर आपका हो जाएगा थाइमिन इनमें से क्या हो जाएगा नोट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि डी जो है आपका थाइमिन हमेशा किसके साथ जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा आपका कौन सा ये एडिनिन एडिन के साथ जोड़ा जाएगा ना कि हमारे गुआनिन के साथ में जोड़ा जाएगा राइट तो यहाँ पे क्लास को ख़त्म करेंगे हम लोग बाकी आप लोग अच्छे से क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा और पी और आपका क्लास की जो लिंक वगैरह आपको मिल जाएगी आपके में दो तीन चीज़ें आपको और बतानी है ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है इसको नोट कर लेंगे आप लोग कहाँ गया ये चलिए चला गया पीछे आई थिंक तो मुझे पीछे करना पड़ेगा से कोई नहीं इसको कट करते हैं सब दिखा दूंगा यहाँ से आप कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है एड्रेट अमित सर के नाम से इसको स्कैन करके आप कर सकते हैं यार चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए अगर आप तक अभी तक, अभी तक नहीं दबाया है ठीक है सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू तो गेट द नोटिफिकेशन फॉर आर न्यू वीडियोस एंड इसके साथ साथ में आप क्या करेंगे इसको कट करता हूँ डोंट सेव करता हूँ फिर नीचे आता हूँ और आप यहाँ पर जाओगे तो एक सेल चल रही है आपको दिखाता हूँ मैं एक बार आप जाओगे क्लास पर जो यूट्यूब पर क्लास चल रही है यहाँ पर क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद जो आपकी क्लास चल रही है टेस्टबुक यूपी पर यहाँ पर आओगे तो कल से आई थिंक नवरात्रि कब से स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रि कब से स्टार्ट हो रहे हैं अगर नवरात्रि की बात की जाए तो कब से स्टार्ट हो रहे हैं जरा बताइए एक बार इसका मैथ क्लास से भी ज्वाइन कर लीजिएगा नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और ये मेरी क्लास चल रही है राइट तो इसको अगर क्लिक करते हैं हम यहाँ से बंद करेंगे और इसको लाइक कर लीजिएगा नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा टी डॉट एम ई अमित सर टेक्सटबुक के नाम से है और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक बेहतरीन सेल जो है आपकी कल से स्टार्ट हो रही है इक्कीस तारीख से महा डिस्काउंट सेल आपके शुरू हो रही है नवरात्रि पर शुरू हो जाएगी कल से शुरू होगी राइट ये तो अभी चल रही है हाँ तो कल से आपकी शुरू होगी नवरात्रि की सेल तो कल से मैं आपको बताऊंगा अपडेट करूंगा तब तक के लिए गुड बाय टाटा टेक केयर जय भारत जय हिंद ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं बाय बाय नवरात्रि में फास्ट रखने वाला हूँ मैं क्यों रखूंगा नवरात्रि में फ़ास्ट मुझे क्यों रखना है फ़ास्ट राइट फास्ट नहीं रखूंगा चलिए क्योंकि फास्ट वाले ज्यादा खाते हैं पता तुम्हें अगर नवरात्रि की बात करेंगे सर एक बार हेट यू बोलिए ना प्रशांत को हेट यू मतलब हेठ यू हेट यू क्यों बोलना है सुहानी शर्मा जी क्यों किसी से हेट करनी है राइट चलिए दुनिया में आए हो तो लव कर लो <laughs> तो नवरात्रि वाले दिन क्या होता है नवरात्रि के टाइम देखो फल महंगे हो जाते हैं है? क्यों महंगे होते हैं क्योंकि डिमांड जो है इसकी बढ़ जाती है और लोग देसी घी के मतलब आ, क्या करते हैं देसी घी के पकवान खाते हैं राइट और दिन में कम से कम चार पांच बार फल खाएंगे और आलू खाते हैं मूंगफली खाते हैं साबूदाना खिचड़ी खाते हैं कुट्टू का आटा खाते हैं और आ, हाँ कुट्टू का खाते हैं और इसके अलावा मतलब बहुत चीज़ें खाते हैं शुद्ध देसी घी की बनी हुई सब्जियाँ खाते हैं राइट तो याद रखेंगे याद रखेंगे ठीक है तो ये सब है देखो मतलब रियलिटी में जो व्रत का मतलब है ना वो पहले लोग अपने अपनी रह पाते हैं लोग अब नहीं रहते हैं होमवर्क आपका क्या होमवर्क यही है कि आप इसको पढ़ के आइएगा फिर से रेडी रिवाइज करके आएगा दैट शिट यही होमवर्क है आपका और मुके सेब का बारे जितने लोग भी है मिलेंगे शाम को नौ बजे रात में नौ बजे क्लास है तब तक के लिए आपको होमवर्क दे दें तो आप क्या करिए होमवर्क uh, आपको दे जो भी सवाल आपके गलत हुए हैं उन टॉपिकों को नोट करिए और उनको नोट करने के बाद उनकी पढ़ाई करिए ठीक है तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग तब तक के लिए गुड बाय टाटा टेक केयर बाय बाय